नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक के रिजल्ट के बारे में और जो ट्रिडेंट है उसके रिजल्ट के बारे में। काफ़ी ट्रेंडिंग पेनी स्टॉक्स है क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। साथ ही साथ हम डिफरेंट स्टॉक्स जो है जैसे HDFC, ट्रिडेंट, रिलायंस, रिलैक्सो, अतुल, सिप्ला, SRF, एयरटेल, आलोक इंडस्ट्री, इसके लेवल्स और टारगेट को डिस्कस करेंगे। साथ साथ आने वाले समय में किस तरह का इफेक्ट इस स्टॉक पर हो सकता है, आपका क्या सोच है ये भी आप हमें कमेंट करेंगे। मतलब आप क्या सोचते हैं इन सब स्टॉक्स के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आपका क्या एनालिसिस कहता है, कमेंट में ज़रूर बताते जाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ट्रिडेंट लिमिटेड, इसका जो रिजल्ट आया है वो मिलियंस में है। तो मिलियंस मतलब 10 लाख, याद रखना है, सिंपल है। मिलियन मतलब होता है 10 लाख, तो मिलियन मतलब 10 लाख। तो यहाँ पर जो है इसको करोड़ में बदलेंगे तो एक डिजिट को गायब कर देंगे। जैसे ये 7133 मिलियन है तो ये हो गया हमारा 713 करोड़, मतलब 713 करोड़। तो ये टोटल इनकम आपका हो गया 713 करोड़, जबकि पिछला क्वार्टर में था 997 करोड़, मतलब 1000 करोड़ के आसपास काफ़ी गिरावट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें, मतलब जून जो 19 का है, ये जून 20 का रिजल्ट है, जून 19 का तो वहाँ था 1313 करोड़, मतलब 1313 करोड़। तो सीधे देख सकते हैं कि ये हमारा जो है 90% डाउन है रिजल्ट डायरेक्ट 90% डाउन है। तो 90% क्या हो गया आपका रिजल्ट डाउन हो गया। अब उसके बाद नीचे चलते हैं, टोटल एक्सपेंस ये देख सकते हैं, ये है 700 करोड़ टोटल एक्सपेंस, 700 करोड़। हमारा यहाँ पर इनकम था वो 713 करोड़ था, तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि 700 करोड़ तो एक्सपेंस ही है, तो 13 करोड़ प्रॉफिट बचा, कुछ खास प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद पिछले क्वार्टर में था 954 करोड़ टोटल एक्सपेंस, उससे पहले था मतलब जून 19 में ईयर ऑन ईयर बेसिस 1129 करोड़ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस भी घटा है लेकिन अभी जो इनकम है उसके कंपैरिजन में एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट भी काफ़ी कम होगा। तो नीचे चलते हैं, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद जो नेट प्रॉफिट आया वो हो गया 101 मिलियन, लेकिन करोड़ में बात करेंगे यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मात्र है 10 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, और 39 करोड़ था पिछला क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो 123 करोड़ था जून 19 के क्वार्टर में, तो देख सकते हैं काफ़ी डिक्रीज हुआ है, काफ़ी डिक्रीज। 123 करोड़ प्रॉफिट से डायरेक्ट 10 करोड़ प्रॉफिट आ गया, तो समझ सकते हैं कितना डिक्रीज हुआ। आप निकाल कर देख लीजिए, 90% से भी ज़्यादा का डिक्रीज है। 90% अगर 100 करोड़ होता तो ये हमारा हो जाता 90%, लेकिन यहाँ 123 करोड़ था, वहाँ से डायरेक्ट 10 करोड़ हो गया, तो काफ़ी डिक्रीज हुआ है। तो ये था ट्रिडेंट का, जिसमें काफ़ी गिरावट आएगी स्टॉक्स में निश्चित है कि, क्योंकि प्रॉफिट ही पूरी गायब है। तो ये जो पैनी स्टॉक्स है, ऐसे पैनी स्टॉक्स में मतलब छोटी कंपनियां हैं, इसके प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट आएगी। मतलब इस पैंडेमिक में जो छोटी कंपनियां हैं काफ़ी प्रभावित होगी। ये HDFC बैंक का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है क्वार्टर जून का, यहाँ पर देखते हैं जून क्वार्टर का इन लाख्स है, लाख में है, तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे दो डिजिट के बाद, यहाँ पर दो डिजिट छोड़ देंगे तो इतना करोड़ में आ जाएगा। करोड़ में कंपेयर करने में अच्छा होता है क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, प्रॉफिट भी बड़ा होगा, रेवेन्यू भी बड़ा होगा। और ये पिछला क्वार्टर का है, मार्च क्वार्टर का, ये है हमारा जून क्वार्टर 19 का, तो दोनों के कंपेयर में देख लीजिएगा। इंटरेस्ट अर्न हो गया 32,351 करोड़। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया 31,795 करोड़, पिछला क्वार्टर में था तो उससे ज़्यादा है इंटरेस्ट अर्न। और वहीं पर आप यहाँ पर देख लीजिएगा 29,176 करोड़, तो जून क्वार्टर 19 में उससे भी काफ़ी ज़्यादा है इंटरेस्ट अर्न। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आती इंटरेस्ट जो बढ़ा है किस कारण से, क्योंकि डिपॉजिट बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, क्योंकि यस बैंक आप समझते हैं मार्केट में पूरी तरह से क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, बदनाम हो चुका है, तो ऐसे में उसका डायरेक्ट फायदा जो इस प्राइवेट लीडर बैंक है HDFC उसको हुआ है, क्योंकि यस बैंक में लॉक इन लग चुका है 3 साल के लिए जिनका भी डिपॉजिट है, तो वैसे में जो फायदा डायरेक्ट हुआ यस बैंक का किसको हुआ है,
HDFC बैंक को। तो ये सब मतलब जो न्यूज़ है इसको भी अपडेट रखिए, न्यूज़ से लगातार अपडेट रहने से आपको मार्केट के बारे में पता चलता रहेगा। तो यही स्टॉक मार्केट कि आपको लग रहा होगा पेंडेमिक में इतना रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हुआ, तो येस बैंक जो मार्केट से गायब हुआ ये भी याद रखिए। तो टोटल इनकम यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल इनकम है यहाँ पर दो डिजिट गायब कर दीजिए करोड़ में, तो 36,698 करोड़, उससे पहले था 38,287 करोड़, उससे पहले था मतलब जून क्वार्टर में 34,324 करोड़। तो देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो ये भी याद रखना है, थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर प्रोविजंस भी आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रोविजंस होता है जो कि लोन आगे बन सकता है, वैसे मतलब जो कि मतलब जो NPA बन सकता है, वैसे लोन जो NPA बन सकता है उसको हम प्रोविजंस में देखते हैं। तो मतलब प्रोविजंस में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्रोविजंस देख लीजिएगा यहाँ पर हो गया हमारा 13,684 करोड़, उससे पहले था 13,898, उससे पहले था 11,749। तो प्रोविजंस में भी थोड़ा सा वृद्धि हुआ है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा डिक्रीज भी हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो ये देखिए, ये इंक्रीज होने से मतलब आगे NPA बन सकता है, इतना अमाउंट मतलब इतना लोन जो दिया गया है वो आगे NPA बन सकता है, तो उसको प्रोविजंस में रखता है बैंक। तो ये भी इंक्रीज हुआ है, तो ये थोड़ा सा बैड होता है बैंक के लिए। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ आफ्टर टैक्स, तो ये देख लीजिए, यह है 6,940 करोड़। तो 6,940 करोड़ हो गया हमारा नेट प्रॉफिट, और उससे पहले के क्वार्टर में था 7,296 करोड़, उससे पहले जून क्वार्टर 19 में था 5,690। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डिक्रीज हुआ है। तो दोनों बात याद रखिएगा, HDFC बैंक है उसका रिजल्ट। अब यहाँ पर अर्निंग पर शेयर देख लीजिए, अर्निंग पर शेयर स्पष्ट देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डिक्रीज हुआ है, अभी 12.6 है, और पिछला जो क्वार्टर था उसमें 13.3 था, उससे पहले देख लीजिए जून क्वार्टर 19 में 10.4 मतलब 10.40 रुपया था अर्निंग पर शेयर। EPS जो है वो हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें डिक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी इंक्रीज हुआ है, 10.4 से 12.6 चला गया है। तो ओवरऑल HDFC बैंक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब कुछ खास लॉकडाउन का प्रभाव नहीं पड़ा है, थोड़ा सा प्रोविजंस इंक्रीज हुआ है मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस करें, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डिक्रीज हुआ है, तो मतलब कुछ खास फर्क नहीं है। तो अब इस पे HDFC बैंक कैसा रिस्पांस करेगा, तो इसको जानते हैं आगे। तो दोस्तों, अब हम डिफरेंट स्टॉक्स के क्विक रिव्यू करेंगे HDFC बैंक। तो यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट के दिन जो है, मतलब जो रिजल्ट आया था उस दिन इसमें काफ़ी मोमेंटम आया, एक दिन पहले मार्केट जो क्लोज हुआ 3.484% का तेज़ी, क्योंकि मार्केट को पता चल गया रिजल्ट काफ़ी बेहतर आने वाला है। तो यहाँ से अब ये स्टॉक्स रिजल्ट पर कैसा रिस्पांस करता है ये आपको देखना है, अगर ऊपर गया तो ये 1200 के लेवल को क्रॉस कर सकता है, अगर नीचे गया तो 1000 इसका सपोर्ट होगा। ज़्यादा कुछ रिजल्ट खराब नहीं आया है, तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि जब तक मार्केट क्रेश हो तब तक इसमें कोई बड़ी गिरावट हो। तो इसमें जो आगे का लेवल होगा 1200 लेवल होगा ऊपर, नीचे का जो 1000 का किस तरह से रिस्पॉन्स करता है मार्केट ये देखना है। मतलब मार्केट का अगर ऐसा था कि इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आना चाहिए तो निश्चित है मार्केट इसके नेगेटिव रिस्पांस करेगा, लेकिन ऐसे हमें लगता है कि मार्केट का जो एस्टिमेट था उसे ये बीट किया है HDFC बैंक, तो निश्चित है इस पर पॉजिटिव रिस्पांस देगा मार्केट। ऐसे इसमें तेजी आया है तो अगले दिन थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि डॉ जोन्स भी थोड़ा सा निगेटिव क्लोज हुआ है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक दिन तेजी हुआ तो उसमें थोड़ा अगले दिन या तो यह न्यूट्रल रह सकता है, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, या इसमें थोड़ा सा निगेटिव आ सकता है, अगर पॉजिटिव आया तो इसमें काफ़ी तेजी आपको देखने मिल सकता है। उसके बाद ट्रेडेंट, इसमें निश्चित है कि गिरावट आएगा इस स्टॉक में, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी ख़राब है। तो याद रखिएगा ये एक मतलब पैनी स्टॉक है, लेकिन ये पैनी स्टॉक हुआ नहीं करता था, ये 65 रुपीज़ का स्टॉक था, स्प्लिट होने के कारण ये काफ़ी मतलब एक पैनी स्टॉक बन गया। तो इसका भी रिजल्ट काफ़ी ख़राब है, तो इसमें आपको करेक्शन देखने मिल सकता है। तो इसका जो नीचे का लेवल होगा 5 रुपीज़ तक ही आ सकता है। तो जो भी आदमी प्रॉफिट में होंगे प्रॉफिट यहाँ पर कुछ बुक कर सकते हैं आप। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री,
दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री एक काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। जो एजीएम हुआ उसमें सऊदी अरामको डील के बारे में कोई कंफर्म न्यूज नहीं आया, जिसके कारण इसमें करेक्शन आया था, मतलब गिरावट आया था उस दिन काफी, और फिर से ये रिकवर कर चुका है ये स्टॉक्स। तो इस स्टॉक में फिर से आगे का 2000 का लेवल होगा। अगर इसमें गिरावट आती है, मतलब मार्केट में करेक्शन आता है, तो निश्चित है कि इस स्टॉक में भी करेक्शन आएगा, और फिर तब आपको इसका जो लेवल्स है नीचे वो 1800 होगा, और सबसे जो नीचे अगर इसमें कभी क्रेश होता है तो 1600 इसका मेजर सपोर्ट है, और आगे ये 2200-2300 रुपया तक जा सकता है। तो आपको मार्केट के डायरेक्शन का वेट करना चाहिए, मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है उसी अनुसार रिलायंस भी चले। उसके बाद है हमारा रिलैक्सो फुटवेयर। हमने एक वीडियो बनाया था कि ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और ये आपको भर भर के बोनस देगी, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी मार्केट में लीड करता है। कई सारे प्रोडक्ट हैं इसके, बेहतरीन प्रोडक्ट जो कि इनके मार्केट में है। तो इस स्टॉक में रिजल्ट का वेट करना है, रिजल्ट कैसा आता है। रिजल्ट जैसे ख़राब आएगा तो हर स्टॉक में थोड़ा ना थोड़ा गिरावट आता है, तो निश्चित है कि इस स्टॉक में भी करेक्शन मिलेगा, तो बाइंग जरूर कीजिएगा। जैसे 600 के लेवल को ये ब्रेक करता है तो ये इसका जो नीचे का लेवल होगा वो हमारा 500 होगा। 500 के लेवल पाता है तो ज़बरदस्त दबा करके आप बाइंग करना है, और ऊपर का लेवल है 800। ऊपर अगर जाता है रिजल्ट काफ़ी बेहतर आता है, मतलब मार्केट में भी तेज़ी आता है, तो जो आगे का लेवल होगा 800 होगा, तो याद रखिएगा। उसके बाद एक वीडियो हमने और बनाया था बोनस शेयर अतुल लिमिटेड, काफ़ी रिजर्व है इस कंपनी के पास, हम भी इस कंपनी का भी रिजल्ट का वेट करें इस बार कंपनी का रिजल्ट कैसा आता है। अगर कंपनी का रिजल्ट प्रभावित आता है और इसमें करेक्शन आता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। तो पहला जो हमारा सपोर्ट लेवल है इस स्टॉक पर बाइंग का वो है 4000 की। 4000 आता है तो निश्चित है इसमें पहला इंस्टॉलमेंट लगाना है, लेकिन रिजल्ट को देखते हुए। रिजल्ट एकदम बिल्कुल मतलब ख़राब आता है तो आगे का सिनेरियो भी आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब है, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। तो ऊपर का जो लेवल है 6000 है, अगर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है तो ये अगला जो लेवल होगा वो 6000 का होगा। अगला ये 6000 तक के लेवल को जैसे 5000 ब्रेक करेगा तो अगला इसका टारगेट होगा 6000 का। उसके बाद सिप्ला, ये भी बेहतरीन कंपनियां है। सिप्ला हमने बनाया था एक वीडियो कि ये जो है विप्रो के बाद दूसरा वो शेयर है जो कि आपके 10000 रुपये इन्वेस्टमेंट पे 228 करोड़ का रिटर्न दिया है। 228 करोड़ का, अगर इसको आप इसके 52 वीक हाई मतलब ऑल टाइम हाई पर बेचते हैं तो निश्चित है कि इसमें जो है आपको 250 करोड़ का रिटर्न मिलता है 10000 के इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन 1980 में। तो कई सारे कमेंट करते हैं कि उतना तो झुंझुलवाला जी के पास भी रुपया नहीं था, लेकिन आपको याद रहे कि झुंझुलवाला जी उसी समय काफ़ी कमाए थे जो वेदांता है, उसमें वेदांता का नाम पहले दूसरा हुआ करता था, और उस समय उनके पास बहुत सारा रुपया था। वो 1980 ईस्वी में 10 लाख के ऊपर का वेल्थ रखते थे, तो ये सब याद रखिएगा। वो उसी समय वेदांता में काफ़ी अर्निंग किए थे, काफ़ी कमाए थे, तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लुपिन में कमाए, टाइटन में कमाए, और कई सारी कंपनियां हैं उनमें काफ़ी रिटर्न उनको प्राप्त हुआ। तो इनका जो लेवल होगा ऊपर का जो इसका लेवल है वो है 800 आगे का लेवल, और नीचे करेक्शन तो बहुत ही कम उम्मीद है कि करेक्शन आएगा बिना मार्केट में गिरावट के, क्योंकि सारे फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने मिला है। तो जो भी एबेटो इंडिया है, लुपिन है, अरबिंदो फार्मा है, पी फाइजर है, ये सारे जो बेहतरीन स्टॉक्स है, सिप्ला है, तो इन स्टॉक में अगर आप में किसी को मौका मिलता है कभी गिरावट में तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आगे 2-3 सालों तक फार्मा स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है SRF, तो SRF भी बेहतरीन स्टॉक्स है, इसका भी जो स्पेशलिटी केमिकल्स है और साथ ही साथ काफ़ी डाइवर्सिफाइड इसका बिजनेस है। तो SRF में आपको मौका मिलता है कभी भी, मतलब ये हमारा 3000 उससे नीचे, तो ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। और ऊपर का जो इसका लेवल है मतलब आगे का लेवल है वो 5000 है, तो इसके भी रिजल्ट को वेट करना है। रिजल्ट कैसा आता है, जिसका रिजल्ट प्रभावित हुआ उस कंपनी में आपको गिरावट देखने मिलेगा, तो उसी करेक्शन का फ़ायदा लेना है। जब मार्केट में गिरावट आएगा तो आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसमें गिरावट में जो हमारा लेवल होगा पहला SIP का 3000, दूसरा 2500, तो ज़्यादा करेक्शन को उम्मीद नहीं कर सकते हैं जब तक रिजल्ट काफ़ी बदतर ना हो, जिस तरह से डीमार्ट का हुआ, ट्रीडेंट का हुआ, तो देख सकते हैं ये डीमार्ट में आपको अपॉर्चुनिटी है। डीमार्ट को हमने शामिल नहीं किया इस वीडियो में, लेकिन बता दें डीमार्ट में करेक्शन आ रहा है, तो जैसे अगर 1500 के आसपास आपको डीमार्ट मिलेगा तो ज़रूर बाइंग कीजिएगा, अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा मत। उसके बाद अगला हमारा स्टॉक है भारती एयरटेल, ये भी देख सकते हैं 600 और नीचे जो है इसका
550 ये रेंज है, 550-600 इसी रेंज में बार बार ये घूम रहा है। या तो 500 के नीचे ये गया तो इसमें भारी करेक्शन आपको देखने मिलेगा, या तो 600 के ऊपर ये गया तो आपको काफ़ी तेज़ी इसमें देखने मिल सकता है। तो ये अभी इसी रेंज में 50 रुपीज़ के आगे पीछे ऊपर नीचे ये मूव कर रहा है, तो इसका वेट कीजिए। या तो इसमें गिरावट आती है या तो ऊपर का मोमेंटम दिखाता है, ये इसका भी रिजल्ट का वेट करें। अगर रिजल्ट आउटस्टैंडिंग हुआ तो निश्चित है इसमें काफ़ी तेज़ी आपको देखने मिल। उसके बाद अगला है हमारा आलोक इंडस्ट्रीज। इसमें हमने कई बार आप लोगों को कहा था जब ये 50 रुपीज़ के ऊपर चल रहा था कि प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए कुछ ना कुछ। जैसे आप इसमें 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे तो निश्चित है कि आपको उस 500 रुपीज़ में अगर आपने 50 स्टॉक बाय किया था तो 20 स्टॉक का प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए था। आप देख सकते हैं ये 58 रुपीज़ से 31 रुपीज़ आ गया। अगर अगले दिन भी गिरावट आता है तो 50% का करेक्शन हो गया। अब क्या करना चाहिए, अब जिसको इन्वेस्ट करना है तो आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए। अभी गिरावट में मिल रहा है क्योंकि अपर सर्किट लगने लगा तो फिर आप बाय ही नहीं कर पाएंगे, आप इसमें 3 करोड़ क्वांटिटी डेली सेलिंग के लिए लगा रहता है, 3 करोड़ क्वांटिटी। वही बाइंग के लिए जब लग गया तो फिर ये अपर सर्किट मारेगा, ऐसे अभी लोअर सर्किट इसमें लगातार लग रहा है, इसमें लगातार लोअर सर्किट। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो आलोक इंडस्ट्री इसमें क्या करना चाहिए, अब आपको अपॉर्चुनिटी इसमें मिलने वाली है। अगर 20 रुपीज़ के नीचे आता है तो ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा 20 रुपीज़ के नीचे। लेकिन ये भी याद रखिएगा आलोक इंडस्ट्री 5 साल के लिए इसको ऑथोराइज किया गया है, ये लिस्टेड रहेगा, उसके बाद इसे रिलिस्ट किया जाएगा या तो जो भी किया जाएगा, लेकिन 5 साल के लिए आलोक इंडस्ट्री अपने नाम से लिस्टेड रहेगा। सारी चीज़ें आप आगे के लिए सोच लीजिएगा, फिर इसमें बाइंग कीजिएगा। तो ये सारे आज के स्टॉक्स थे, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो में अगर किसी भी तरह के किसी भी स्टॉक के बारे में आपको पूछना हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा ताकि हम उस पर आगे वीडियो बना सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चाहे पहली बार हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।